हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुक्स एंड बुक्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा आलू पनीर कोफ्ता। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक बोल में ग्रेटेड आलू लेंगे। ये मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड पनीर। ये ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स पनीर मैं यहाँ ले रही हूँ और इसमें हम ऐड करेंगे हमारी सीजनिंग्स, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें तो इसमें थोड़े से रेजिन्स और कैशियोज भी ऐड कर सकते हैं। और इसे बाइंड करने के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ अबाउट 3 स्पून ऑफ मैदा। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे। अब हम इस मिक्सचर से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हाथ से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसे बॉल की शेप देंगे। मैंने अपने कोफ्ते सारे प्रिपेयर करे हैं और अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। हम इन कोफ्ते को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाए। अब ये मेरे कोफ्ते चारों साइड से ब्राउन हो गए हैं तो अब मैं इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकालूंगी। अब ये हमारे कोफ्ते बन गए हैं तो हम इनकी ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं। ग्रेवी के लिए हम एक पैन में अबाउट 2 स्पून ऑयल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे दालचीनी और 2 लौंग। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हमारे चॉप्ड अनियन। मैं यहाँ 2 अनियंस ले रही हूँ। अनियंस थोड़े से पक जाएं तो हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक। यहाँ मैंने 3 to 4 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं और साथ ही में हम ऐड कर देंगे हमारे टमेटोज। यहाँ मैंने 3 टमेटोज लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 काजू और इन्हें इनके साथ अच्छे से पकाएंगे जब तक ये हमारे टमेटोज एंड काजू सॉफ्ट हो जाएं। मैं इसमें अब अबाउट 1/2 कप पानी ऐड करूंगी और इसे मैं ढककर पकाऊंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए जब तक ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स पक जाएं। अबाउट 5 मिनट्स हो गए हैं तो हम इसे चेक करते हैं और ये अच्छे से हमारे जो टमेटोज हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी में मैश करेंगे। मिक्सर में ग्राइंड करने से पहले हम इसमें से अपनी जो दालचीनी हमने ऐड करी थी वो निकाल देंगे। हमारी जो ग्रेवी है कोफ्ते की वो एकदम सॉफ्ट स्मूथ होनी चाहिए तो उसके लिए हम अपनी जो ग्रेवी का पेस्ट हमने बनाया है उसे स्ट्रेन करेंगे अच्छे से। अब हम एक पैन में थोड़ा बटर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हमारी ग्रेवी। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। थोड़ा सा सॉल्ट हमने कोफ्ते बनाने में भी डाला था, उसको हम थोड़ा सा ही डालेंगे। और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा पाउडर, ये रोस्टेड जीरा है। और साथ में हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। ये हमारी ग्रेवी में बॉयल आए तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी किसी भी ग्रेवी में डालिए तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस हम इसे एक अच्छा सा स्टर देंगे। इसकी रिचनेस बढ़ाने के लिए मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ अबाउट 2 से 3 स्पून मलाई। या आप फ्रेश क्रीम अवेलेबल है तो आप फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। रेडी है सर्व के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।